चंद्रपुर शहर में मेरा मोहल्ला मेरा नेता की टीम लगातार चुनावी मुद्दों को टटोलते हुए मोहल्ले में चल रही सियासत पर निरंतर कवरेज कर रही है। पेप्टिक टाइम की टीम आज पहुंची शहर के वार्ड क्रमांक 6 में, जो कि इस वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए खुले चुनावी खेल की दावत दे रहा है। पार्षद पद पर किसी भी वर्ग का प्रत्याशी ताल ठोक सकता है। इस मोहल्ले के लोग चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं, इसे समझने से पहले इस वार्ड के भूगोल को समझते हैं। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश के खास प्रोग्राम मेरा मोहल्ला मेरा नेता इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 की सीमाएं शिल्पशाला मार्ग से लेकर अहिरवार बस्ती तक फैली हैं, यानी हडवारा क्षेत्र के पीछे का हिस्सा जहां व्यापारियों का निवास है, यहां से लेकर महोबा रोड के पिछले हिस्से जहां दलितों का निवास है, वहां तक ये वार्ड फैला हुआ है। वार्ड की कुल आबादी 4200 के करीब बताई जा रही है, जबकि मतदाताओं की संख्या 1300 के आसपास है। वर्तमान में यहां से भाजपा की स्वाति सोनू गुप्ता पार्षद रही हैं। वार्ड में रहने वाले प्रमुख लोगों के नाम दिलीप अहिरवार, शकुर राइन, हल्के भैया विश्वकर्मा और नसीम चच्चा है। भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष की करीबी रही स्वाति गुप्ता के इस वार्ड में जनता ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। 5 साल ठीक है, ठीक करो यार। पार्षद ने तो ठीक करे हैं काम, लेकिन कछु तो करे हैं है? और कछु अब बिल्कुल ही, पहले कराते रहे और आते रहे, देखते रहे, लेकिन अब कोई आता है। पार्षद ने 5 साल काम कैसे करो वार्ड में? बढ़िया कर रहे हैं। आपके वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करो? अच्छा किया, संतोष उनके साथ। हाँ, पानी की, लाइट की, सबकी व्यवस्था, काम तो अच्छे किए हैं वार्ड पार्षद ने हमारे। वार्ड में किया है कहीं साफ सफाई है जे, तो सब अच्छा किया है। वार्ड में पानी आने की समस्या है, सब ठीक है। और ये थोड़ी आवाज का है, वो रुका। कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन नियमित रूप से सफाई नहीं होती रही। कचरे का उठान बहुत कमजोर रहा इस बार। लगभग ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लगभग ठीक ठाक है। समस्या यही है कि बस वो हैंडपम्प बिगड़ा डरा कुलिया तक नहीं, हमारी पटवाई ने रात में दिक्कत पड़ा ना, ले डाल हैंडपम्प में पानी नहीं ना कर रहा। बेढंग के काम है, कहूँ नल टूटे डरे तो कहूँ औरतें भाग रही, जे नाली डरी जे हो रहा गड्ढा का है। अब हमें समझ में नहीं आ कैसे करे, नाली को पानी बहा रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिया टूटी, पूरे 3-4 हादसा हो गए, गाड़ी आनी टार फट जा, कहूँ आदमी घुस जात। अरे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी गंदगी, अरे भरने नहीं आ रही, मतलब पानी गंदा आता बहुत। सबसे पहला तो पानी गंदा आता खूब नलों में, साफ सफाई की 15-20 दिन हो गए नाली साफ ही नहीं होती, एक बार हो जाती, कचरा डाला रहता है। बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, वो शक्ल दिखाने तक नहीं आते वो तो। अब बहुत सी समस्या है, अब नाली साफ नहीं हो रही, क्यों जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा सब। अब समस्या ही है, हम घर डर अधूरो। हाँ, जनता चुनाव के लिए तैयार है। पिछली समस्याओं और पुराने विकास कार्यों की कसौटी पर नए नेता का चुनाव होने जा रहा है। पार्षद ने इस वार्ड की तरक्की के लिए क्या प्रयास किए, पहले उसे समझ लेते हैं। मैंने 5 साल में बहुत से कार्य किए अपने वार्ड में। मैंने मतलब भवन निर्माण भी, समाज भवन निर्माण करवाया, और 5000 लीटर की जो टंकियाँ रहती वो 2 वहाँ पे लगवाई हैं, और 70-75 जो आवास बनवाए थे वो प्रधानमंत्री वाली योजना वाली वो भी करवाए हैं, और RCC रोड वगैरह सब डलवाई हैं वहाँ पे। मेरी पत्नी थी पार्षद और उन्होंने काफ़ी काम किए। 70-80 लोगों की वृद्धा पेंशन बनवाई, करीब 100-150 राशन कार्ड बनवाए, और कम से कम 200 खाद्यान्न पर्ची बनवाई, 2 समाज भवन बनवाए, और जो छोटी जात के लोग रहते थे उनको डेली निस्तार के लिए जो दिक्कत थी, तो एक कॉम्प्लेक्स था हमारे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स, हमने उसको फ्री करवाया। 2-5 लीटर की टंकी डलवाई, पूरे वार्ड में अमृत जल की लाइन डलवाई, और भी काम काफ़ी बाकी हैं, तो अगले सत्र में देखेंगे अपन। इस वार्ड में पार्षद के कामकाज पर जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया है। उधर नए चुनाव के लिए नए दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो मोहम्मद बकी और नईम खान यहां से चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। भाजपा से फिलहाल स्वाति सोनू गुप्ता का नाम सामने आ रहा है।
लेकिन अन्य दावेदारों में राकेश अहिरवार और सुरेंद्र साहू भी मैदान में कूद सकते हैं। जनता नए पार्षद को लेकर तैयार है और उससे उम्मीदें लगा रही है। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम पार्षद ऐसा हो कि जो एक हमारी एक बात पे हमारे सामने हाजिर हो और हमारी समस्याओं को सुने और समस्याओं को बिल्कुल तत्काल ही दूर करे, जो वार्ड को समय दे और वार्ड में काम करता रहे, जो सही काम करे, अच्छा काम करे, उसको चलना चाहते हैं। हम तो चाहते जो सबका जनता की सुने और की क्यों चाहने का है? अच्छे चाहने जो काम करवाए का है, जनता का चाहने बड़ा सिर्फ अच्छी अच्छी बात है। अच्छे ही चाहने जो काम करे मोहल्ला में, कि मोहल्ला के आदमी खुश रहे। हम जो चाहते हैं जो बाढ़ को स्वच्छ साफ रख सके, बाढ़ का स्वतंत्र वातावरण बना सके, साफ स्वच्छ, वो चाहते हैं। अब ये चुनना चाहते का कोई सुविधा अच्छी हो जाए, हमें नल लग जाए, पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है।